फ्रेंड्स, सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 8 बर्ड्स फ्रेंड्स ऑफ द स्काई। ये चैप्टर हमारा प्रीवियस क्लासेस में हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया। इस चैप्टर में हमने स्टडी किया कि बर्ड्स हैव फैदर्स, बर्ड्स के फैदर्स होते हैं। विंग्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई, बर्ड्स को फ्लाई करने में उनके विंग्स हेल्प करते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ एंड यूज देयर बीक्स टू ईट फूड, बर्ड्स के टीथ नहीं होते, हमारे तरह दांत नहीं होते, वो बीक यूज करते हैं फूड यानी खाने के लिए, फूड को खाने के लिए। अ बर्ड्स क्लोज हैव टू पर्च ऑन ट्रीज एंड कैच देयर प्रे, और इसके अलावा बर्ड्स के क्लॉज होते हैं, मीन्स पंजे होते हैं जिनसे वो ब्रांचेस पे, ट्री की जो ब्रांचेस होते हैं उनको होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और अपना प्रे, पी आर ई वाई प्रे मीन्स शिकार भी वो क्लॉज की हेल्प से पकड़ पाते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स एंड ब्रिंग अप देयर बेबीज, बर्ड्स अंडे देने के लिए और अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए नेस्ट बनाते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा था माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज टू एस्केप फ्रीजिंग कोल्ड विंटर्स, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड से बचने के लिए माइग्रेटरी बर्ड्स वार्म प्लेसेस पे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़कर जाते हैं और किसी वार्म प्लेसेस पर जाकर चले जाते हैं। तो इस तरह से वो माइग्रेट करते हैं वन प्लेस से अदर प्लेसेस पे, तो दे आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। ये इस चैप्टर में हमने स्टडी किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्वेश्चन ए है आपका, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ये आपको आपकी नोटबुक में करना है, आपको पूरा सेंटेंस अपनी बुक से लिखना है और ट्रू है या फॉल्स है वो मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट है इसमें, बर्ड्स आर द ओनली एनिमल, बर्ड्स ही केवल ऐसे एनिमल हैं दैट हैव फैदर्स, जिनके फैदर्स होते हैं। तो ये सही है क्या, बर्ड्स के ही होते हैं फैदर और किसी के नहीं होते? राइट, ट्रू, बर्ड्स के ही ओनली फैदर्स होते हैं और किसी एनिमल के फैदर्स नहीं होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी विल टेक, वी विल राइट टी फॉर फर्स्ट। नाउ सेकेंड, द फैदर्स ऑन द विंग्स, विंग्स के ऊपर जो फैदर्स होते हैं एंड टेल, और जो टेल होती है हेल्प द बर्ड इन फ्लाइंग, वो बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करती है। राइट, ये भी सही है, सो सेकेंड में ट्रू आएगा। थर्ड है, द टाइप ऑफ आ फूड ईट्स डिपेंड ऑन द शेप ऑफ इट्स टीथ, बर्ड्स का जो फूड होता है वो डिपेंड करता है उसकी टीथ पे, तो उसकी तो टीथ होते ही नहीं है, दांत होते ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। नाउ फोर्थ, क्लोज हेल्प बर्ड्स टू होल्ड इन टू ब्रांचेस एंड ग्रैब्स देयर प्रे, मीन्स जो बर्ड के क्लॉज होते हैं मीन्स पंजे, पैरों के आगे जो पंजे होते हैं वो ब्रांचेस को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। एंड ग्रैब्स देयर प्रे, और उनके प्रे, पी आर ई वाई प्रे में शिकार को ग्रैब यानी झपटने में भी हेल्प करते हैं, तो ये भी राइट है, तो ट्रू लिखेंगे फोर्थ में। नाउ फिफ्थ है, द हमिंग बर्ड हैज वेब्ड फीट, हमिंग बर्ड जो होता है उनके वेब्ड फीट होते हैं? नो, वेब्ड फीट तो किसके होते हैं? डक के वेब्ड फीट होते हैं जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, इसमें लिखा हुआ है हमिंग बर्ड के, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? फॉल्स। तो यह आपके एक्सरसाइज ए है, ये आपको नोटबुक में करनी है। सैटरडे और संडे टू डे आपको मिल रहे हैं, इसलिए आप एक्सरसाइज सी फिल इन द ब्लैंक्स भी आज कॉपी में अपने करेंगे। इसमें क्या करना है ये भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट है, बर्ड्स डैश देयर फैदर्स, बर्ड्स जो होते हैं अपने फैदर्स को टाइम टू टाइम, टाइम टाइम पे क्या करते हैं? SHED, शेड, शेड यानी गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं। बर्ड शेड देयर फैदर्स, बर्ड्स अपने फैदर्स को गिरा देते हैं टाइम टू टाइम, टाइम टाइम पे। ओके, नाउ सेकेंड, क्रेन्स होता है ना सारस, पानी में जो एक टांग पे थोड़ा लंबी लंबी इसकी लैग्स होते हैं, टांगी होती है, तो क्रेन्स कैच, क्रेन पकड़ते हैं डैश को विद द हेल्प ऑफ देयर बीक, अपनी चोंच से क्या पकड़ते हैं? अपने PREY प्रे, प्रे यानी शिकार को, तो इसका पूरा हो जाएगा क्रेन्स कैच प्रे, क्रेन्स प्रे यानी शिकार को पकड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर बीक, अपनी चोंच की हेल्प से। नाउ थर्ड है, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स के टीथ नहीं होते, एंड दे यूज देयर डैश टू ईट फूड, और वो फूड को खाने के लिए क्या यूज करते हैं? BEAK, थर्ड में आएगा बी। नाउ फोर्थ, डैश हेल्प बर्ड्स टू होल्ड ऑन ब्रांचेस, डैश हेल्प करते हैं बर्ड को टू होल्ड ऑन ब्रांचेस, ब्रांच को पकड़ने में, एंड कैच देयर प्रे, और शिकार को पकड़ने, टहनी को पकड़ने में और शिकार को पकड़ने में कौन सा पार्ट यूज
यूज करते हैं बर्ड्स, सी एल ए डब्ल्यू एस, क्लॉज, पंजे, ठीक है. नाउ फिफ्थ है, द डैश हैज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बी. डैश की स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड बीक होती है विच इट यूजेस टू डिग होल्स इन द ट्री ट्रंक, जिससे वो ट्री के ट्रंक यानी तने पे होल करता है. किसके होती है स्ट्रॉन्ग बीक पॉइंटेड वाली, W डबल ओ डी, वुड, पी ई सी के ई आर, वुड पैकर, वुड पैकर की होती है स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक होती है, जिससे वो ट्री की ट्रंक पे होल करता है और अपना नेस्ट बनाता है. तो ये आपके फिलअप्स हो गए, ये आपका ट्रू फॉल्स हो गया. ये दोनों एक्सरसाइज A एंड C आपको आपकी नोटबुक में करना है. ओके, थैंक यू.